तेज खबर 24 में इस वक्त मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां गुड़ थाना अंतर्गत ग्राम उमरिया में एक ही घर के एक ही परिवार के 4 लोग COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, बुधवार की देर रात आई मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ग्राम उमरिया निवासी नवीन पांडे, उनकी पत्नी अनु पांडे, भाई विनीत पांडे सहित उनका 5 वर्षीय पुत्र COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, तेज खबर 24 आपको सबसे पहले यह तस्वीरें दिखा रहा है, जहां डिहिया स्थित क्वारंटाइन सेंटर में इन चारों को लाकर रखा गया है। फिलहाल डॉक्टर और पुलिस प्रशासन इस पर पूरी नज़र बनाए हुए है। गाँव को पूरी तरह से सील करने का कार्य किया जा रहा है। उमरिया गांव सहित आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त है। इस वक्त की यह बड़ी खबर जो रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत ग्राम उमरिया से आ रही है, जहां एक ही घर के 4 लोगों को COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। हम आपको बता दें, रीवा जिला अब रेड जोन की स्थिति के आसपास आ खड़ा हुआ है। जी हाँ, तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है जो उमरिया गांव से आ रही है, जहां एक ही घर के 4 लोगों को COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। सीएमओ डॉक्टर आरएस पांडे ने बताया कि उमरिया निवासी नवीन पांडे, जो सूरत में श्रमिक था, वहां से 7 मई को अपने गांव आया था, जिसके बाद शासन प्रशासन को बिना सूचना दिए वह गाँव पहुँच गया था और गाँव में लगातार रह रहा था। 5-6 दिन वह गांव में था, सबके संपर्क में आया। ग्रामीणों द्वारा जब मंगलवार को सूचना दी गई कि नवीन पांडे नामक व्यक्ति उमरिया गांव में आया है, उसके बाद उसको रीवा मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया, जहां वह सस्पेक्टेड पाया गया, जिसके बाद नवीन पांडे, उनकी पत्नी अनु, भाई विनीत और 5 वर्षीय बालक को सभी को लाकर क्वारंटाइन किया गया, मेडिकल परीक्षण कराया गया, सैंपलिंग की गई। बुधवार की देर रात लगभग 11 बजे आई मेडिकल रिपोर्ट में इन चारों को COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है जो तेज खबर 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। इन चारों को डिहिया स्थित स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है, वहाँ इनका उपचार किया जा रहा है। तेज खबर 24 की टीम अपने रिपोर्टर आरिफ खान के साथ डिहिया रात लगभग 1 बजे पहुंची है, जहां से सीधी जानकारी आरिफ खान आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तेज खबर 24 की टीम डिहिया में खड़ी हुई है, रात 1 बज रहे हैं। यहां अभी 4 लोगों को शिफ्ट किया गया है तमरा दुआरी से। एक व्यक्ति जो सूरत से आता है, वो अपने परिवार में जाता है, जिससे उसकी पत्नी, उसकी बच्ची व उसका भाई कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस संक्रमण के कारण चारों लोगों को डिहिया के इसी हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां उनकी व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी प्रशासन पूरी तरह सजग नहीं हुआ है, कई तरह के अभी भी वाहन यहां रीवा की ओर आ रहे हैं। इस तरह से एक बड़ा विस्फोट होने की संभावना है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एक आदमी के पीछे 4 लोग यहां रखे गए हैं, जो चारों कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तरी दुआरी 4 लोगों को लाया गया है, क्या यहां लाया गया है, क्या मामला है? जी अभी हां, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 4 लोगों को रेफर किया गया है, और ऐसी जानकारी हमको मिली है कि इनको क्वारंटाइन करना है, तो हमने इनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है। उसमें कौन कौन है, मतलब? एक महिला है, वो लगभग 25 साल की है, बच्चा 5 साल का है, और 2 जेंट्स हैं। और जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार महिला के पति हैं और उनका मतलब देवर हैं, मतलब एक ही फैमिली के सभी लोग हैं। एक ही फैमिली के चार लोग। जी, तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर जो रीवा जिले के ग्राम उमरिया से आ रही है, जहां एक ही घर के 4 व्यक्तियों को COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। रीवा जिले में अब तक COVID-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है, जिसमें से एक महिला डॉक्टर राजेश सिंघल की बहन ने कोरोना की जंग जीत ली है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि डॉक्टर राजेश सिंघल की पुत्री का उपचार अभी भी चल रहा है। एक साथ 4 लोगों के COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने से कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के आने को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। शासन के इस निर्णय पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर, जो तेज खबर 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है।